बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडे लेक्चर, आई वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स। Dear student, there are three main categories of chemical substances or compounds, that is acids, alkalis and salts. My second question is that why some fruits and vegetables are sour in taste? The sour taste of some fruits and vegetables is due to presence of various acids in them, that is lemon contains citric acid, tomato contains oxalic acid, etc. My third question is that what is aqueous solution? Dear student, the solution in which water acts as a solvent is known as aqueous solution. And my last question is that what is salt and how it is formed? Dear student, salt is a neutral compound that is formed by the reaction of acid and alkali. Some of the common example of salt are sodium chloride and calcium sulfate, etc. बच्चों, जैसा कि पिछली ग्रेड के अंदर आपने ये पढ़ा कि एसिड मोस्टली आपके पास सोर टेस्ट में पाए जाते हैं, उनका मीन टू से आपके पास जितने भी एसिड होते हैं वो सोर टेस्ट में होते हैं। तो स्टूडेंट, एसिड को हम बेसिकली डिफाइन किस तरह करते हैं, या जर्नली जो एसिड का वर्ड है ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? जर्नली अगर हम बात करें, द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्राम अ लेटन वर्ड एसिडियस विच मीन सोर। वट जो आपके पास एसिड का जो वर्ड है ये आपके पास लेटन वर्ड से माखूज है। कौन सा लेटन वर्ड? एसिडियस, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है सोर। ठीक है, अगर हम बाय डेफिनेशन एसिड को डिफाइन करें तो एसिड आपके पास हर वो सब्सटेंस है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। दो बातें बताऊंगा मैं आपको, एसिड हर वो चीज़ एसिड होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन को पानी के अंदर प्रोड्यूस करें। ऑल दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे दो टर्म्स आ जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है और हाइड्रोजन आयन क्या होता है। बच्चों, आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अगर हम हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। अब ऐसे कंपाउंड जिसको पानी के अंदर डालने से वो कंपाउंड पानी के अंदर एक्वस कहते हैं वाटर को, एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो पानी के अंदर बनाया हो। ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें उस सब्सटेंस को बोलेंगे एसिड। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ऑल दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। आई होप इट इज़ क्लियर। जर्नली अगर हम, मैं जर्नल एग्जांपल दे देता हूँ, HCl इज़ एन एसिड
when HCl is dissolved in water, water is what? H2O. It produces hydrogen ion and chloride ion. आप देख सकते हैं कि वाटर के अंदर एसिड को मैंने डाला तो वाटर के अंदर इसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया, तो इस सब्सटेंस को मैं क्या बोलूँगा? अब एसिड बोलूँगा। तो जर्नली एसिड की बहुत जर्नल जो डेफिनेशन है, एसिड आर दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। इसके अलावा अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, एसिड की क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों? दो तरह की आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक को कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टी विच वी कैन सी विथ आर आई, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इट्स टेस्ट एट्सेट्रा। जो वो प्रॉपर्टीज़ बच्चों जिसको हम या तो देख सकते हैं या तो टच कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को बच्चों कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जितने भी बच्चों एसिड होते हैं वो उनका जो टेस्ट होता है वो आपके पास सॉल्ट टेस्ट में पाए जाते हैं। सेकंड, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये आपके पास ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती हैं। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है? व्हाट इज़ लिटमस पेपर? लिटमस पेपर बच्चों आपके पास एक सिंपल सा पेपर होता है जो हम यूज़ करते हैं एसिड, अल्कली और साल्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर हम बात कर लें जनरली, अगर मैं बात करूं तो लिटमस पेपर आपके पास एक पेपर होता है जो जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं, जो हमें इंडिकेट करवाता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, ये बेसिक है या ये न्यूट्रल है। ये लिटमस पेपर उस सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करता है। एसिड के अंदर इसका कलर कुछ और होता है, बेस के अंदर इसका कलर कुछ और होता है, और न्यूट्रल साल्ट के अंदर इसका कुछ कलर कुछ और होता है। तो जर्नली अगर हम लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड सॉल्यूशन के अंदर डालें तो वो क्या हो जाता है? रेड हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, ऑल एसिड आर सोर इन टेस्ट, इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। व्हाट इज लिटमस पेपर? लिटमस पेपर is an indicator which is used to identification of acid, alkalis and salt. Third properties, turn methyl orange into red. Methyl orange is also indicator, but it is not a paper, it is in a form of chemical. Methyl orange is a chemical, एक ऐसा chemical होता है, powder form में chemical होते हैं जिसको पानी के अंदर आप डाल देते हैं, पानी के अंदर थोड़ा सा आपने इसका सॉल्यूशन बना दिया और उसके अंदर आपने फिर क्या कर दिया, मिथाइल ऑरेंज का कलर एक्चुअली ऑरेंज ही होता है। अब इसको आपने एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर इसका मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है, ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर होगी बात? अगर मैंने लेट सपोज एसिड की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो मैं मिथाइल ऑरेंज के कुछ मिथाइल ऑरेंज के अंदर उस सॉल्यूशन जिसका मैंने आइडेंटिफिकेशन करनी है मिथाइल ऑरेंज के अंदर, उसके कुछ ड्रॉप डालूंगा तो मेरे पास मिथाइल ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर है वो रेड के अंदर अगर कन्वर्ट हुआ तो मेरा वो सॉल्यूशन जो है वो एसिड होगा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। फोर्थ पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। व्हाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट? सोचने की बात है कि आपके पास जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन आपके पास जस्ट एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्ट्रॉय क्लॉथ्स, फैब्रिक्स एंड बर्न ऑन स्किन। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बच्चों, अगर आपके क्लॉथ्स के ऊपर या आपके फैब्रिक्स जितने कपड़े वगैरह होते हैं उनके ऊपर अगर लग जाए तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा आपके स्किन के ऊपर भी अगर लग जाए तो स्किन को भी डैमेज या उस स्किन के ऊपर भी जलन सी प्रोड्यूस होती है। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फर्स्ट वन इज ऑल एसिड आर सोर इन टेस्ट, इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड, इट टर्न मिथाइल ऑरेंज इंटू रेड,
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट वाई. फिफ्थ स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्ट्रॉय क्लॉथ्स एंड बर्न ऑन स्किन. बच्चों एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन इट कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. ड्यू टू इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी कंडक्ट. आई होप इट इज क्लियर नाउ. नाउ कम टू द सोर्सेज ऑफ एसिड. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एसिड. देर आर डिफरेंट सोर्सेज. आई होप आपने ये पिछली ग्रेड के अंदर पढ़ी भी होंगी, लेकिन जस्ट इतने पढ़ी होंगी कि लेमन के अंदर होते हैं, टोमेटोज़ के अंदर होते हैं. लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड होगा, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड पाया जाएगा. तो सोर्सेज में आपके पास आ जाते हैं लेमन. लेमन के अंदर जो एसिड होता है उसको कहते हैं सिट्रिक एसिड. ये आपने याद रखने बच्चों, अक्सर आपसे एग्ज़ाम के अंदर ये पूछे जाते हैं कि आपके पास लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है. तो आपने बताना है कि लेमन के अंदर आपके पास सिट्रिक एसिड पाया जाता है. टोमेटोज़ के अंदर आपके पास ऑक्सालिक एसिड होता है, ग्रेप्स के अंदर टार्टारिक एसिड होता है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है. चींटियों के अंदर आपके पास, अक्सर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चींटियों के अंदर ब्लड्स होता है या नहीं. चींटियों के अंदर बच्चों ब्लड नहीं होता, ब्लड के बजाय एक एसिड होता है जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड. ठीक है. एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है और विनेगार सिरके के अंदर आपके पास एसिटिक एसिड होता है. दीज आर सम सोर्सेज एंड द एसिड विच आर फाउंड इन दीज सोर्सेज. नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. इन ईच एंड एवरी बोर्ड एग्जाम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड अल्कलीज आर साल्ट मे बी आस्क इन योर एग्जाम. सो कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज. व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच यू कैन सी योर आई, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच यू कैन नॉट सी विथ योर आईज, लाइक केमिकल रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, रिएक्शन. दीज यू कैन नॉट सी विथ योर नेक्ड आई. सो दीज केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन. व्हाट आयोनाइजेशन. व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन वर्ड क्या कहता है. आयोनाइजेशन इज बेसिकली डिसोसिएशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इन टू इट्स आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन. किसी भी केमिकल कंपाउंड का उसके आयन के अंदर स्प्लिट हो जाना, टूट जाना आयोनाइजेशन कहलाता है. क्लियर होगी बात. अब जितने भी एसिड होते हैं बच्चों, आपके पास डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एसिड गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. व्हाट एसिड गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, लाइक व्हेन वी टेक HCl, HCl इज एन एसिड. व्हेन वी डिजॉल्व HCl इन टू वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन. व्हेन वी डिजॉल्व सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो एन स्ट्रॉन्ग एसिड. व्हेन वी डिजॉल्व सल्फ्यूरिक एसिड इन टू वाटर इट प्रोड्यूस टू हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन. So all acid when you dissolve in water it produce hydrogen ion must. By definition acid give hydrogen ion when dissolve into ion. And this properties of acid which split into its ion is called what? Ionization. Ionization is the properties of acid which dissociate into its ion. Second property is reaction with metals. What is metals? Metal क्या होते हैं बच्चों. Metal are like iron, zinc, sodium, copper, aluminium, nickel, etc. All these are metals. But यहाँ पर मैं कुछ की रिएक्शंस आपको बता देता हूँ कि कुछ मेटल के साथ इनकी रिएक्शन कैसे होती हैं. बेसिकली सारे मेटल के साथ
आपके पास एसिड की रिएक्शन जो होती हैं सेम इसी तरह होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेटल्स क्या होते हैं। चार मेटल के नाम मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, आयरन, जिंक, सोडियम, Cu, कॉपर। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। जब कभी भी आप एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, फर्स्ट वन साल्ट, दिस वन एंड वाटर। चलिए देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले लिया जिंक। जिंक आपके पास क्या है, मेटल है, उसको मैंने ट्रीट किया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक को एसिड के साथ ट्रीट करवाने से मेरे पास, मैंने कहा था, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों, आपने किस तरह इनके प्रोडक्ट किस तरह बनने, आपको किस तरह एग्ज़ाम में आपको किस तरह इनको याद करने, उसके लिए मैं आपको एक आसान ट्रिक बता देता हूँ जो आपने फॉलो करवानी है। हमेशा जितने भी बच्चों मेटल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव साइन होते हैं, जनरली ये याद रखें, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव साइन इमेजिन कर लें, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। और एसिड में, एसिड में दो पार्ट होंगे, जितने भी एसिड हैं ऊपर रिएक्शन में आपने देखा कि वो दो पार्ट में स्प्लिट होते हैं, एक पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव आयन में। तो कौन से के ऊपर पॉजिटिव रखने और कौन से के ऊपर नेगेटिव रखने, उनके लिए ट्रिक ये है कि आपने हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रखने और उसके दूसरे पार्ट, जो भी दूसरा पार्ट हो, उसके ऊपर नेगेटिव साइन रखना है। ये बात तो क्लियर है। अब इनके अपोजिट साइन को आपस में अट्रैक्ट करवाने हैं। जैसा कि जिंक पॉजिटिव था तो इसका नेगेटिव कौन सा, नेगेटिव Cl है, तो जिंक को Cl से ट्रीट करवा दो, ZnCl2, ZnCl2 प्लस रह गया क्या, हाइड्रोजन H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा सकता हूँ, ठीक है। सेकंड वही ट्रिक अप्लाई कर लें, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से करवा दें, NaCl, NaCl और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। थर्ड कॉपर, कॉपर को नेगेटिव से ट्रीट करवाएं, CuSO4, CuSO4 प्लस 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। क्लियर होगी बात, अब ये आपको कभी भूलने वाली नहीं है, ठीक है। तो जनरली ऑल रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विथ मेटल इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। जैसा कि मेटल्स ऐसे ट्रीट किया, हमें साल्ट प्रोड्यूस हुआ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, इसमें भी साल्ट हाइड्रोजन गैस, साल्ट हाइड्रोजन गैस। तो ये थी आपके पास बच्चों सेकंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें रिएक्शन विथ अल्कलीज, अल्कलीज के साथ एसिड किस तरह की रिएक्शन करता है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अल्कलीज। हम नेक्स्ट लेक्चर में अल्कलीज के ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं, लेकिन जनरली मैं अगर आपको यहाँ बता देता हूँ, अल्कलीज वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर OH आयन होना ज़रूरी है। क्लियर होगी बात, अल्कलीज आर दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सलाइन, OH आयन इन टू वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। जनरली अल्कलीज के साथ रिएक्शन एसिड की कैसे होती हैं देख लेते हैं। याद रखने बच्चों आपने कि अल्कलीज के साथ जब कभी भी एसिड रिएक्ट होता है वो आपके पास साल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ पर मेटल के साथ साल्ट और वाटर, यहाँ पर प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस है, मैंने वाटर लिख लिया ऊपर, ये आपने क्रॉस करने हैं, इधर हाइड्रोजन गैस लिखना है। यहाँ पे मेटल से जब कभी भी मैं रिएक्ट करवाऊँगा एसिड को तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, जब भी मैं एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा अल्कली से मेरे पास साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, और उस केमिकल रिएक्शन को मैं नाम देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सम टाइम इट इज़ आस्क्ड दैट व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो यू कैन डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच साल्ट, इन विच अल्कलीज रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। The reaction which in which acid react with alkali to produce salt and water are called neutralization reaction. तो जितने भी अल्कलीज हैं आपके पास एसिड से रिएक्ट होंगे तो साल्ट और वाटर बनाएंगे, दो प्रोडक्ट बनाएंगे साल्ट और वाटर, देख लेते हैं। HCl को अल्कली से रिएक्ट किया, साल्ट बना और वाटर बना।
एसिड को अल्कली से रिएक्ट करवाया, यहाँ भी साल्ट बना, यहाँ भी वाटर बना। ये है मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है मेरे पास अल्कली। यहाँ भी सेम वही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप जर्नली जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो इस पर फॉलो करें, तो आपको प्रोडक्ट बग़ैर याद करने के आपको आ सकता है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन, इसके ऊपर नेगेटिव। यहाँ पर भी आपने क्या कर लें, हाइड्रोक्सल के ऊपर नेगेटिव रख लें और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव। जितने भी मेटल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव साइन ही होता है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से ट्रीट करवा दो। H2O वाटर, NaCl अपोजिट साइन को ट्रीट करवा दो। जैसे कि ये Cl है, Na को Cl से ट्रीट करवा दिया, और H2 और O H2O बन गया। यहाँ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और HHO H2O। क्लियर होगी ये बात, तो इस तरह आपने इनके प्रोडक्ट को याद रखने। बच्चों थर्ड रिएक्शन, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आ जाती हैं आपके पास, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। तो दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कार्बोनेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होते हैं बच्चों? कार्बोनेट आपके पास वो चीज़ होती हैं, वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर CO3 आयन प्रेजेंट होते हैं। ऑल दोज कंपाउंड विच कॉन्टेन CO3 इन इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड कार्बोनेट, लाइक MgCO3, CaCO3। इसमें आपको नज़र आ रहा है CO3 है, CO3 है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके पास कार्बोनेट होते हैं। कार्बोनेट के साथ इनकी रिएक्शन किस तरह होती है, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं देख लेते हैं। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप एसिड को रिएक्ट करवाएंगे, कार्बोनेट से साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। गिवन रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि MgCO3, CaCO3 ये दोनों आपके पास कार्बोनेट हैं। इनको मैंने एसिड से रिएक्ट करवाया HCl और यहाँ भी HCl, तो मेरे पास दो चीज़ें बनी, MgCl2, ये आपके पास साल्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है। यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करवा दिया, तब भी मेरे पास क्या बना, साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, चलिए मेन पॉइंट को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। The main points of today's lecture is, first one, what is acid? By definition, acid are those substances which provides hydrogen ion in aqueous solution are called acid. Clear ho gaya? Second main point is sources of acid. There are following sources like lemon, tomatoes. A lemon contains citric acid, tomato contains oxalic acid, grapes contains tartaric acid, milk contains lactic acid, aren't containing formic acid, and apple containing malic acid, while vinegar contain acetic acid. Third main point is physical properties of acid. There are following physical properties. First one, all acid have sour end test. They turn blue litmus paper into red, turn methyl orange indicator into red. Aqueous solution of acid conduct electric current and strong acid destroy fabric and burn on skin. Come to the chemical properties of acid. There are following chemical properties of acid. First one is ionization. Ionization is the property in which a chemical substance dissociates into its ion is called ionization. All acid give hydrogen, split into hydrogen ion when dissolved in water. Second, reaction with metals. All metal when react with metal, they produce salt and hydrogen gas. Like when zinc react with acid, hydrochloric acid, it produce zinc chloride, that is salt and hydrogen gas H2. Third, reaction with alkalis. All acid react when alkalis, it produce salt and water, and the reaction is called neutralization reaction. What is neutralization reaction? It is also important question in your board exam. Neutralization reaction are the reaction in which acid react with alkalis to produce salt and water. Fourth main point is reaction with carbonate. All those compound which contain CO3 in its compound is called carbonate. When acid react with carbonate, it produce salt, water and carbon dioxide. Student, lecture ज़्यादा होने की वजह से मैंने कुछ
मेन पॉइंट अगले लेक्चर के लिए छोड़ दिए, ये मैं अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए होमवर्क की तरफ आते हैं। आपका होमवर्क है कि किस तरह आप बच्चों एसिड और अल्कलीज में फ़र्क कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पर आप अल्कलीज और एसिड के में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपने वो प्रॉपर्टीज़ को, जितने भी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं इस लेक्चर में भी आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, वो आपने लिख के लानी है। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जितने भी मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ उनको आपने क्वेश्चन की फॉर्म में उसका आंसर लिखकर मुझे सेंड करना है। आई होप आपके आज के लेक्चर में आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।